धरी रह गई सारी तैयारी, आई नहीं रागनी तिवारी। ये जितनी बकचोदी कर लेते हैं उतने करने की औकात इनके पिछवाड़े में नहीं है। चाहे रागिनी तिवारी हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे वो भड़वा उपदेश राणा हो। महाराष्ट्र के किसान भी किसान आंदोलन से जुड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के किसान भी अब दिल्ली कूच की तैयारी में। किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। धरी रह गई सारी तैयारी, आई नहीं रागिनी तिवारी। देखिए, खैर ये बात तो जग जाहिर है, ये जितनी बकचोदी कर लेते हैं उतने करने की औकात इनके पिछवाड़े में नहीं है। चाहे रागिनी तिवारी हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे वो भड़वा उपदेश राणा हो, किसी के पिछवाड़े इतना दम नहीं है कि आकर ये किसानों की जो सड़कें हैं उसे खाली करा दे। खैर ये रही दूसरी बात। आज एक बड़ी सूचना आप तमाम लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि मुंबई और महाराष्ट्र से करीबन 10,000 के आसपास किसान अभी तक दिल्ली पहुँच चुके हैं और हजारों किसानों के साथ मैं विनय दुबे 21 तारीख से वहाँ पहुँचना शुरू करेंगे। आज महाराष्ट्र के किसानों के प्रमुख, जितने भी महाराष्ट्र के जो लोग हैं, किसान के संबंधित मामले से जुड़े लोग हैं, समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन तमाम लोगों से हमारी जो बातें चल रही थी उसके बाद जो तैयारियां हुई हैं उसमें ये तय हुआ है कि अब दिल्ली कूच किया जाएगा और किसानों के आंदोलन के साथ महाराष्ट्र भी अब जुड़ेगा, जिसको लेकर खबरें अब समाचार चैनलों पर भी आ रही हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ एक छोटी सी खबर जो इस समय महाराष्ट्र के समाचार चैनलों पे चल रही है, कर रहे थे। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के किसान भी किसान आंदोलन से जुड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के किसान भी अब दिल्ली कूच की तैयारी में। आप समझ सकते हैं, पहले ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो किसान दिल्ली पहुंचे हैं उनकी वजह से मुश्किलें दिल्ली की बढ़ चुकी हैं। दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, दिल्ली वालों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से ये आ रही है कि महाराष्ट्र के किसान भी अब दिल्ली कूच करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज से कुछ साल पहले एक बड़ा किसान आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। वो किसानों से भी हमने निवेदन किया है कि दिल्ली किसान में हो रहे आंदोलन में शिरकत करें और वहाँ पे अपना साथ दिल्ली के देश के किसानों के साथ दें। इस तरह से मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा छोटी सी वीडियो कि किस तरह से पिछली बार हमने महाराष्ट्र की भाजपा सरकार की चूल्हे हिला दी थी किसान आंदोलन के जरिए, जिस समय 30,000 से ज्यादा किसान नासिक से चलकर मुंबई आए थे। जरा देखिएगा, एक झलक है। कुछ इसी तरह से किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और तैयारियां चल रही हैं। मैं 21 तारीख के आसपास सिंघू बॉर्डर पहुंचूंगा और वहां से अपने महाराष्ट्र से आए हुए किसान भाइयों की मदद के लिए उनकी व्यवस्थाएं वहां पे हम तैयार करेंगे। जैसे मैंने पहले ही घोषणा किया था कि मेरी तरफ से व्यक्तिगत, मेरे परिवार की तरफ से 1,00,000 रुपए का अनुदान इस आंदोलन के लिए मैंने निकाला हुआ है। वो सारे पैसे इनके रखरखाव, इनके भोजन और खास तौर पे महाराष्ट्र से आ रहे किसानों के ऊपर हम लोग खर्चा करेंगे। अगर आप भी इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में किसान भाइयों के भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि बॉर्डरों पे आए, चाहे वो सिंघू हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पे आए और लोगों को, किसानों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं, उनको चाय दे, उनको दूध दे। ये सबसे बड़ा सुकून दे जाता है। लेकिन अगर आप दूर हैं और फिर भी इस किसान आंदोलन में मदद करना चाहते हैं तो आप हमें सहयोग राशि भेज सकते हैं। लगातार जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा हमारी सेवादार वहाँ पे चालू रहेगी। हमारे जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, वो किसानों को भोजन वहाँ पे खिलाते रहेंगे। अगर आप आर्थिक मदद भेजना चाहते हैं, और मैं निवेदन करूंगा, हम दिन भर, साल भर अपने परिवार के लिए जीते हैं, कभी एक छोटा सा पल अब किसान भाइयों के साथ देने की जरूरत है। अगर आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9594 39
4948 पर अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं, या आगे जो फोटो आ रहा है उसमें बैंक डिटेल्स हैं, उसमें आप डिटेल्स में आपके सहयोग राशि भेज सकते हैं। हम वहां पे बाकी किसानों के साथ मिलकर एक ऐसा वहां पे उनके रहने की, उनके भोजन की व्यवस्था, ठंड से बचने की व्यवस्था हम लोग वहां पे करेंगे। और इस समय देश के अन्नदाता भगवान के हमारे साथ की जरूरत है, जिसे हम किसान कहते हैं। अब आप किसानों ने तो हमारी सेवा की, आज तक हमारा पेट भरते रहे, अब हमारी बारी है उनके पेट में निवाला जाते रहे और उनको भूखे पेट न सोना पड़े। ये आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी है। 21 तारीख मैं आ रहा हूँ दिल्ली अपने महाराष्ट्र के किसान भाइयों के साथ, और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।